स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए काफ़ी सारी टेक न्यूजेस लेके आए हैं, काफ़ी लेटेस्ट न्यूजेज हैं और आपको भी देखकर अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं गाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पबजी को लेकर। तो पबजी का यहाँ पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पे जो पबजी का नेम होगा वो ऑफिशियली नेम रखा गया है पबजी इंडिया PVT लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब जो पबजी गेम है वो पबजी गेम मतलब फॉरेन का ना रह के इंडिया का गेम बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे लीक्स आ रहे थे कि कब ये कैसे रजिस्ट्रेशन होगा या कब ये लॉन्च होगा, तो फाइनली अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब जल्दी ही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक और कुछ रूमर्स वगैरह थे कि यहाँ पे जो पबजी का फेक इंट्रो था कि जो इंडिया का जो ग्लोबल वर्जन से हटाकर जो इंडिया पबजी वर्जन बन रहा है उसका कुछ टीजर व्हाट्सएप वगैरह पे लीक हो रहा था या यूट्यूब चैनल्स पे भी काफ़ी बताए जा रहे थे। तो वो कोई ऑफिशियली लीक्स नहीं है, वो काफ़ी पुराना पहले बताया गया था, पहले मतलब ऐसा ट्रेजर लॉन्च हुआ था तो उसी को लेकर ही ये बताया जा रहा है। बाकी अभी तक अगर ऑफिशियली बात करें तो पबजी ने कोई भी टीजर लॉन्च नहीं किया है। तो जब लॉन्च करेंगे तो देखेंगे, हो सकता है कोई नया ही फीचर आएगा। बाकी कहते थे कि जो गन स्किन्स हैं या वगैरह वगैरह वो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आपकी ग्लोबल आईडी थी वही आपको पबजी इंडिया वर्जन में भी देखने को मिलेगी। तो आप वही आईडी पे जो भी आपके पास वेपन स्किन्स हैं या जो भी कार वगैरह की गाड़ियों की स्किन्स हैं आप उन्हीं का यूज कर सकते हैं। द बेस्ट मोबाइल गेम ऑफ द ईयर कौन सा है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गेम्स को लेकर, तो आपको पता है कि दो तीन ही गेम है जो पॉपुलर हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो पबजी था और दूसरा ग्रेना फ्री फायर है और एक COD। तो आपको पता है कि कौन सा गेम जो है वो ऑफ द ईयर बना है यहाँ पे? देखिए, ना तो COD ही बना है और ना ही पबजी मोबाइल बना है, क्योंकि रिसेंटली अभी दो तीन महीने से ये जो पबजी है ये यहाँ पे इंडिया में बैन हो गया, जिसकी वजह से जो इसकी पॉपुलरिटी थी या जो डाउनलोड्स थे वो कम हो गए, जिसकी वजह से COD को भी ये फैसिलिटी नहीं मिली। तो जो गेम ऑफ द ईयर है वो यहाँ पे बना है ग्रेना फ्री फायर। तो ग्रेना फ्री फायर यहाँ पे गेम ऑफ द ईयर बना है। तो क्योंकि यहाँ पे दो तीन महीनों से जब से पबजी बंद चल रहा था वहाँ पे काफ़ी सारे डाउनलोड्स उसके ग्रेना फ्री फायर के बन गए, क्योंकि ये फाइटिंग गेम है तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, वो खेलने पे भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे रहते हैं और इसके चलते चलते वो गेम ऑफ द ईयर बन गया। गाइस, जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे आ रहा है कि जो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का है वहाँ पे 875 जो प्रोसेसर उसकी जो अनाउंसमेंट है, उसकी जो मीन्स वीकेंड से जो अनाउंसमेंट हो रहा है जिसको लेकर कि उसमें बारे में बताएंगे कि सेमिनार्स होगा, तो वो यहाँ पे पहले तो ऑफलाइन ही होता था बट इस बार वर्चुअल होगा ड्यू टू कोरोना कह सकते हो या और कोई रीजन हो सकता है। तो जिसमें दो तीन कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने बारे में, सबसे पहले यहाँ पे वन प्लस है, शाओमी है और सोनी। तो ये कंपनियाँ वहाँ पे देखो कि सेमिनार में अटेंड करेंगी और हो सकता है कि अपने नए मॉडल्स को ये चिपसेट के साथ लेके मार्केट में आ जाएं। तो ये भी इस बार जा रहा है इस कंपनी के साथ, तो बाकी देखते हैं कि सोनी का भी कोई नया मॉडल आता है 875 प्रोसेसर के साथ, तो काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स उसमें हमें देखने को मिले। ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है। यहाँ पे एक बात ये बता रही है कि इस बार तीसरी बार यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एप्लीकेशंस पहले भी बैन कर चुके हैं, एक बार दो बार नहीं, तो यहाँ पे तीसरा झटका लगा है चाइनीज ऐप्स को। यहाँ पे 43 और ऐप्स जो हैं कि बंद कर दिए गए हैं यहाँ पे, जिसमें अलीबाबा एक्सप्रेस भी है और अलीबाबा पे वगैरह काफ़ी एप्लीकेशंस यूज होते थे इंडिया में, तो उनको भी बैन कर दिया गया है। अगर आप भी अलीबाबा वगैरह या यूज़ करते हैं अलीबाबा एक्सप्रेस तो आप उस पर ना कोई भी शॉपिंग करें, क्योंकि वो यहाँ पे इंडिया में बैन हो चुके हैं। और उसके साथ साथ लिस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल्स जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे बैन कर दिए गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे तो मोबाइल वीडियो एडिटिंग एप्स ही हैं जिनको बैन कर दिया गया है इंडिया में टोटली। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते, तो नेक्स्ट अपडेट है माइक्रोमैक्स की तरफ से। तो माइक्रोमैक्स का जो इन नोट वन जो सेल अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी उसमें वो जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है, मतलब जितने भी मोबाइल्स थे वो सभी सेल हो चुके हैं। तो अगर आप उसमें परचेज कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, वो जल्दी ही नेक्स्ट अपना जो मतलब सेल है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। 1 दिसंबर को दिन में 12 बजे दोपहर के समय आपको ये सेल फिर से ओपन कर दी जाएगी, आप वहाँ पर जाके और परचेज कर सकते हैं अगर आप माइक्रोमैक्स का जो नोट वन इन मोबाइल है वो आप खरीदना चाहते हैं। तो आज अगर आप हमारी वीडियोस को अच्छा लगता है देखने में तो आप वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि जरूर लाइक करने में आपको 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा और यहाँ पे हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट टेक वीडियोस लाने में जो हमारा मोटिवेशन है वो काम करता है और हम आपके लिए लेके आते रहते हैं टेक वीडियोस। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले अपडेट के लिए। तो अगला अपडेट यहाँ पे आ रहा है मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला कह रहा है यहाँ पे नियो नाम से कोई नई सीरीज लेके आ रहा है, NEO नहीं NIO, नियो के नाम से कोई नई सीरीज लेके आ रहा है, जिसमें जो प्रोसेसर है वो हमें 865 स्नैपड्रैगन का देखने को मिलेगा।
तो और जो कैमरा भी मिलेगा वो हमें ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा इस मॉडल में। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा इसके लीक्स नहीं आए हैं, कोई इसकी फुटेज वगैरह भी नहीं देखने को मिली है, बाकी जब भी इसकी कोई फुटेज आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये देखते हैं कब तक लॉन्च होता है इंडिया में, हो सकता है कि जल्दी ही। यहाँ पे अगला अपडेट है वन प्लस 9 प्रो की तरफ से। तो 9, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसका जो लुक एंड डिज़ाइन है आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ जो भी उसका डिज़ाइन वगैरह दिया गया था, तो वहाँ पर अभी ट्विटर पर ऑफिशियली लॉन्च किया गया है कि कोई भी जो डिज़ाइन है वो फिक्स नहीं होता है, मे बी वो डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाए। तो मे बी अगर कोई नया डिज़ाइन आता है तो उस पर कैसा रहता है ये मोबाइल, तो अगर आप हमें मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट। अपडेट निकल के आ रहा है रियलमी की तरफ से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रियलमी की जो X60 सीरीज है वो कमिंग सून आ रही है, मतलब जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी इंडिया में, जो कि इंडोनेशिया वगैरह वेबसाइट्स पे सर्टिफाइड हो चुकी है। बट वहां पे एक और बताया जा रहा है कि या तो वो X60 हो सकती है या हो सकती है कि रियलमी की जो 8 सीरीज है वो हमें देखने को मिले। बाकी अभी देखते हैं कि जल्दी जल्दी, आपको पता है कि हर 2 महीने बाद या महीने बाद जो मोबाइल्स हैं वो लॉन्च होते ही रहते हैं। तो बाकी देखते हैं इसकी कौन सी सीरीज नहीं आ रही है। तो वीडियो में आप कनेक्टेड रहिएगा, स्टे कनेक्टेड और स्टे अपडेटेड, तो आपको हम जरूर बताते रहेंगे जो नया अपडेट आएगा उसके बारे में। तो यहाँ पे पोको M3 जो कि पिछली वीडियो में बताया था कि लॉन्च होने वाला है, तो यहाँ पे वो लॉन्च हो चुका है और उसकी जो प्राइस आ रहा है वो निकल के आ रहा है $163, जो कि इसको अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो लगभग यही 11-12 हज़ार रुपये के आसपास आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी रेंज में हमें पोको का M3 मॉडल जो है देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे अपडेट्स उसमें हमें देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छा है, गुड टू यूज़ है और यूजर एक्सपीरियंस जो है वो भी हमें बेटर देखने को मिलेगा पोको M3 वाले मॉडल में। तो बाकी देखिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तब भी आप कमेंट करिए, बताइए कि आपको कौन सा पार्ट इसका अच्छा नहीं लगा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बाकी आप कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छी नहीं लगी है कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं कॉन्टैक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।